घोटाले करोगे? टमाटर का घोटाला बचा है, अदरक का घोटाला बचा है, फिर हल्दी का भी आएगा आगे। सच्चा कार्यकर्ता हूँ, सच्चा कार्यकर्ता हूँ। अरे ये बताओ, ये सुनो, ये सुनो, आप अपने चैनल में ना ये माइक के ऊपर ही टमाटर लगाओ, इस माइक के ऊपर ऐसे माइक के ऊपर टमाटर लगाओ और मोदी जी के पास जाओ तो मोदी जी बोलिए टमाटर के बारे में, माइक के ऊपर लगा के जाओ मोदी जी टमाटर के बारे में बोलिए। लेते हो ना 33-35 रुपए किलो मिलता था, आज 33 रुपए का 400 ग्राम दूध मिलता है। बातें कर रहे हो आप, ये देश त्राही त्राही कर रहा है, देश त्राही कर रहा है 120 रुपए किलो टमाटर। बीजेपी सरकार, दिल्ली की सरकार कितने घोटाले करेगी यार, आप में शर्म करो, क्या रहेगा तुम्हें? आपकी धर्म पत्नी आपको रोटी नहीं देंगी अगर आप टमाटर नहीं लेके जाएंगे। तो करो, अदरक 120 रुपए किलो है, शर्म करो, बेसिक चीजें बने बने मुख्यमंत्री बने हुए, शर्म करो, इस्तीफा दो, काबिल नहीं कुर्सी पे, टमाटर नहीं कर सकते, इस्तीफा दो, केजरीवाल जी इस्तीफा दो, केंद्र सरकार इस्तीफा दो, ये बेच टमाटर है 120 रुपए किलो, अदरक ले लो, अदरक ले लो 320 रुपए किलो, टमाटर ले लो 120 रुपए किलो, अदरक ले लो, अदरक ले लो 320 रुपए किलो, ये केजरीवाल की सरकार है, निकम्मी सरकार। साथियों, जिस तरह से महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये मुद्दे वो मुद्दे हैं जो आम जनता के मुद्दे हैं, लेकिन इन पर ना तो कोई बोल कर राजी है, ना कोई जवाब देकर राजी है, और ना कोई जनता आवाज़ उठाकर राजी है। आखिर शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई पर कब तक बात नहीं होगी और जनता कब तक इस तरह से परेशान रहेगी? हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आम जनता की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो कभी अपनी बात को कहने के लिए कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स है मौजूद, अरुण मलिक जी। मलिक जी, आज ये क्या नया फंडा है यार? आप जी बोलते कैसे यार, फंडा है ये? देखिए वैसे छोटी तो देखिए छोटी सी चीज़ है, सरकार के लिए फंडा है, तुम्हारे लिए फंडा है, सरकार के लिए बहुत बड़ा फंडा है, 24 में फंडा इनके कारगर सिद्ध होगा। देखिए छोटी सी नहीं है, सुनिए ये छोटी, देखिए छोटी सी चीज़ है, ये हर घर में इस्तेमाल होती है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, मध्यवर्गीय हो, हर तरह के आदमी के घर में ये रोज की चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है। लेकिन ये सरकार 120 रुपए किलो टमाटर है, 120 रुपए किलो। आप तो ऐसे चौंक रहे हैं, 120 रुपए किलो। सुनिए, अरे 30 रुपए से 20 रुपए से 120 रुपए, आप चौंकेंगे नहीं, अचंबा नहीं होगा आपको? कहाँ 20 रुपए, नहीं आप नहीं चौंक रहा हूँ, सुनिए 120 रुपए तो करूँगा। और ये 120 रुपए अदरक, ये जरूरी चीज है रोज के इंसान के घर की रसोई की। अरे आप क्या सरकार है यार, अगर आप इस चीज को कम नहीं कर सकते, सरकार चलाने का आपको कोई अधिकार नहीं। अरे जो कोई अधिकार नहीं, सुनिए कम खाइए, अरे सुनिए खाइए, ये सुनिए किलो किया आप, ये बात आप उनको वित्त मंत्री को बताना, सीतारमन जी को, वो तो लहसुन भी नहीं खाती, वो प्याज भी नहीं खाती। भाई आप मुझे कोई चीज तो छोड़ो, रसोई में कौन सी चीज बाकी रहेगी जिसके दाम आपने बढ़ाने हैं? गैस के दाम बढ़ा दिए, तेल के दाम बढ़ा दिए, दालों के दाम बढ़ा दिए, को आटे के दाम बढ़ा दिए, पनीर के दाम बढ़ा दिए, कोई चीज कौन सी है जो रहेगी आपकी नजर से? जो देखिए जो उनको उन पे ही दाम देखना, कुछ दिन महंगे करेंगे। ये देखिए टमाटर, अरे क्या यार रोज की तुम ये चीजों को, तुम मामूली चीजें हैं क्या, लोगों की कितना रसोई में डाका मारोगे? क्या डाका मारना रह गया बाकी? हाँ यही सरकार, सरकार ही तो मार रही डाका। सरकार का क्या लेना, सरकार का किसानों को तुम दे नहीं रहे, जो बेचारे पैदा करते हैं वो MSP के लिए रो रहे हैं, उनको तुम कुछ दे नहीं रहे और लोगों की जेब काट रहे हो। है ये 120 रुपए किलो, ये क्या आप, आपको शर्म नहीं आती कि 120 रुपए किलोमीटर टमाटर एक दिन में 100 रुपए बढ़ा दिए, अदरक बढ़ा दिया, बार कम होगी तो महंगी। अरे ये दिल्ली के लोग, सरकार कहाँ से आ गई? सरकार ही तो करती है दाम बढ़ाती है, कोई दुकानदार बढ़ाता है क्या? मतलब दुकानदार को प्रोपेगेंडा करना, नहीं प्रोपेगेंडा, मैं सरकार की ऐसा ईंट से ईंट बजा दूंगा सरकार की। ये गरीब लोगों के लिए चीजें हैं, लोगों को जेबें काट रहे हो, शर्म नहीं आती उस्तादों के साथ बनते हो? हैं आम चीज़ों के दाम बढ़ा रहे, 20 से 120 कर दिया, 300 रुपए किलो कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग? जो सरकार ये चीज़ें कम नहीं कर सकती, उसको सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है। जो सरकार ये टमाटर के दाम नहीं कम कर सकती, वो सरकार में रहने के काबिल नहीं है। ये आम आदमी की चीज़ें हैं, आम आदमी की चीज़ें हैं, हर घर में गरीब, झुग्गी, झोंपड़ी, अमीर, सब आदमी, हर घर में आदमी यूज़ करता है, मगर क्या करना चाहते हो? वो सोते रसोई की ज़रूरी चीज़ें क्या हैं उस पर हम नकेल कसें, पनीर पे GST लगा दिया, सब पे लगा दिया, तेलों पे, क्या कफन तक पे लगा दिया, वो सोचो और क्या चीज़ है। लेकिन आने वाले दिनों में देखेंगे ज़रूरी चीज़ क्या है,
रसोई में क्या काम कर, अरे आज इतनी महिलाएं परेशान हैं जो रसोई का घर अपने घर में महिलाएं देखती हैं। मलिक साहब लेके हाँ। चलते हैं कुछ पीछे हाँ। टमाटर और प्याज का दिल्ली ने कांग्रेस ने आंदोलन शुरू कर दिया था और सुषमा स्वराज स्वर्गीय सुनिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की कुर्सी हिल गई थी, जाना पड़ गया उसको यही प्याज और टमाटर पे और 1200 करोड़ सुनिए अरे 1200 करोड़ रुपए का प्याज आयात कराया था बाहर से इन्होंने कराया था इन्होंने बीजेपी की सरकार ने बीजेपी की बीजेपी जो मुख्यमंत्री बनी थी सुषमा स्वराज जी तब टमाटर प्याज पर उनकी सरकार चली गई थी मगर ये देखिए आज भी वो सेंटर में वो हैं दिल्ली में दोनों सरकारें लूट रही हैं लोगों को रसोइयों पे डाका मार रहे हैं यार तुम कहाँ कहाँ डाका मार रहे हो एक रसोई बची है लोगों की गरीब आदमी को उस पर भी तुम डाका मारना शुरू हो सरकार का काम है डेवलपमेंट करना ये डेवलपमेंट है मतलब अपना अपना जेब भरना है लोगों की जेब काटना लोगों की जेब काटना अपनी जेब भरो कभी टमाटर कभी अदरक अरे ये सुनिए ये बेसिक चीजें हैं गरीब आदमी की हर रोज हर घर में ये चीज जरूरी है कोई ऐसा घर नहीं जिसमें ये टमाटर अदरक लहसुन न चल पाओ कोई ऐसा घर नहीं है ये गरीबों के लिए है तुम उसे वो कर रहे हैं लोग कह रहे जो महंगा हो जाओ उसको खाना छोड़ दो ओहो ये इनको को ये जेबों की काटना शुरू लोगों की जेब काटना बंद करें लोगों गरीब लोगों की जेब काटना बंद करें महंगाई को कम करें महंगाई कम नहीं कर सकते तो कुर्सी वर्सी छोड़ें सर बहुत लोग तो प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं कई लोग नहीं खाते होंगे मैं मानता हूँ आपकी बात खाते होंगे लेकिन महंगाई तो है महंगा तो है लहसुन महंगा तो है धनिया महंगा तो है नींबू महंगा तो है अरे किस चीज़ है जो सस्ती है आज कौन सी चीज़ सस्ती है आम आदमी परेशान है अरे आम आदमी की बात करो आम आदमी की अरे भाजपा वाले पूछो कह रहे कहीं नहीं है महंगाई महंगाई उनके जब अपने घर पे जाते होंगे ना बीबी भी गालियाँ देती होंगी बीबी कहती होंगी क्या सरकार है आपकी 120 रुपए का किलो टमाटर कर दिया उनकी जो घर की महिलाएं हैं ना वो भी अपने पतियों को बोलती होंगी कि क्या आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुमलों की सरकार टमाटर भी महंगा कर दिया गैस तो महंगा किया टमाटर महंगा उनकी उनकी जो महिलाएं हैं ना घर की वो भी आज यही कहती हूँ जिम्मेदार कौन जिम्मेदार सरकार है दाम आप बढ़ा रहे हैं या मैं बढ़ाता हूँ बताओ सरकार जो है ना वही बढ़ा रही है ना मंडी में जाओ मंडी में चला जाओ मंडी के दाम बता रहा हूँ आपको मैं ये और आम जो रेडी पटली वाले बेचे वो तो पता नहीं 150 रुपये किलो बेचे आज मैं सुबह सुन रहा था मोदी जी का एक बहुत अच्छा बयान उन्होंने आज कहा मोदी जी का कोई बयान अच्छा हो ही नहीं सकता मैं आज ही कोई अच्छा बयान हो ही नहीं सकता अरे आज मैं संबोधित कर रहे थे मोदी जी मैंने आज देखा टीवी में वो कह रहे थे कि कांग्रेस के समय में किसानों की हालत इतनी खराब थी आज देश का किसान इतना खुशहाल है कि मेरे पास शब्द नहीं है आप क्या बीजेपी के एजेंट हो क्या बीजेपी मतलब सच्चाई बताने सच्चाई कांग्रेस की बताओ तो किसानों पे जुल्म कर रहे हैं किसानों पे जुल्म कर रही है बीजेपी की सरकार देखा ना कील गले हुए सड़कों पे कीले गाल रहे किसान अपना हक हमारे प्रधानमंत्री टीवी पे बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी आप उनके जुमलेबाजी छोड़िए उनके जुमले उनकी बात ही मत करिए जुमलेबाजी करते रहे झूठ बोलते हैं वो झूठ का पलिंदा है सबसे बड़े देश के प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा झूठ बोलते हुए व्यक्ति तो देश के प्रधानमंत्री अरे मैं प्रधानमंत्री जी की बात माने नहीं मैं कोई माने नहीं झूठ ही झूठ कोई देश नहीं सुनता हम नहीं सुनते कोई देश ही नहीं सुनता कोई देश राहुल जी की बात कांग्रेस की बात लोग सुनते हैं जो बात होती है कांग्रेस के लोगों की बात सुनते हैं 70 साल हमने राज किया किसानों के लिए 6000 रुपये सालाना दे रहे हैं मोदी जी देखा आपने भेजा हुआ देखा आपने रो रहे हैं 1500 रुपये विधवाओं की पेंशन तो दे नहीं रहे सबकी पेंशन तो बंद कर दी 6000 रुपये कहाँ से देंगे 1500 रुपये पेंशन तो महिलाओं को दे नहीं रहे सुनो सीनियर सिटीजन की पेंशन तो दे नहीं रहे सबकी पेंशन जो सरकारी कर्मचारी सरकार नौकरी पूरी कर चुका उसकी पेंशन उन्होंने काट दी आप बातें कर रहे हो अरे ये सब कुछ जुमलेबाजी करें कि जुमलेबाजी मत जाओ 15 लाख आ गए आपको मिले क्या 15 पैसे भी मिले तो ये जुमलेबाजी रहने मैं तो टमाटर की बात कर रहा हूँ ये टमाटर नहीं कर सकते थे इस्तीफा दो केजरीवाल जी इस्तीफा दो केंद्रीय सरकार इस्तीफा दो ये बेसिक चीजें ये दो चीजें अभी कांग्रेस चलाएगी 24 में कांग्रेस चलाएगी सब कुछ सस्ता होगा सब कुछ सस्ता होगा हाँ 70 साल हमने सरकार चलाई ना 24 में राहुल जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी देश की ये सब चीज सपन है नहीं हकीकत बता रहा हूँ ये सरकार है यार शर्म करो यार 120 रुपए किलो टमाटर सस्ती चीज को तुम काट लो जेबें काट लो वैसी जेब काट के ले अच्छा कांग्रेस की सरकार आ गई जी तो आएगी अगर नहीं बोलो अगर हटाओ आएगी ऐसे बोलो तो टमाटर का क्या रेट होगा वो तो हम बाद में बताएंगे जो भी पहले ही हम करते थे हम तो देते थे जो दाम होगा करेंगे इनकी तरह लूटेंगे नहीं 10 रुपए किलो टमाटर हो जाएगा सर हम 20 रुपए किलो अदरक हो जाएगा हम इनको लूटेंगे नहीं 500 का सिलेंडर हो जाएगा हम रसोई 10 रुपए किलो चीनी हो जाए यही कहना चाहते हैं जो रसोई है ना वो साफ सुथरी होगी भरी होगी गरीबों की रसोई भरी होगी रसोई आधी नहीं होगी
समझ गए, इस छोड़िए सरकार की बातों को, ये इस्तीफा दें केजरीवाल जी, शर्म करो, 120 रुपए टमाटर है, शर्म करो केजरीवाल जी, ये दिल्ली की सरकार है, शर्म करो, तुम्हें घर में बैठे गरीब आदमी केजरीवाल के घर में नहीं, 120, अरे दाम कम करो, 120 रुपए किलो टमाटर है, शर्म सी चीज है, रोज की चीज है, हर रोज का आप मत खाना, आप नहीं जाते, देखिए आप अपने घर, आप सुनिए, आप अपने घर जाना, अपनी धर्म पत्नी जी को बोलिएगा कि टमाटर नहीं लाया तो आपको खाना नहीं देगी, कहना मैं टमाटर नहीं लाया, 120 रुपए किलो टमाटर है, क्योंकि घर के बाहर बैठो, टमाटर के बिना सब्जी नहीं बनती, टमाटर के बिना स्वाद नहीं है, टमाटर के बिना स्वाद नहीं है, तो कहिए महंगाई है, उसमें स्वाद दे ही नहीं सकती, जाओ टमाटर 120 रुपए किलो है, मैं उन्हें बोलूंगा कि जब महंगी आपको घर के अंदर रोटी नहीं देंगी, जब तक आपकी धर्म पत्नी आपको रोटी नहीं देंगी, अगर आप टमाटर नहीं लेके जाएंगे तो घर से बाहर निकाल देंगी, अदरक नहीं लेके जाएंगे घर से बाहर निकाल देंगे, मेरी आंटी नहीं है, मैंने शादी नहीं की, आपको उस दिन भी बताया था मैंने, लेकिन टमाटर के बिना मैं सब्जी खाता भी नहीं हूँ, पंजाबी आदमी, टमाटर भी चाहिए, अदरक भी चाहिए, सब्जी, अरे आप रसोई की चीज, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, लोगों के हित की, गरीबों की बात कर रहा हूँ, झुग्गी झोंपड़ी वालों की बात कर रहा हूँ, मध्य वर्ग के लोगों की बात कर रहा हूँ, जो आम आदमी है, सब सब्जी में है, सब खुशहाल है, ऐसा है, सब अमन चैन, सब आप ऐसा है, उनको कहिएगा जो खुशहाल है ना, पूछिए बीजेपी वाले खुशहाल है, ये दिल्ली गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री चंगा कौन चंगा है, प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी, वो दोनों चंगे है? चंगा है, देश त्राही त्राही कर रहा है, ये देश त्राही त्राही कर रहा है, देश त्राही कर रहा है, 120 रुपए किलो टमाटर, देश रो रहा है, अरे निकम्मी सरकार हो, निकम्मी सरकार, टमाटर को नहीं छोड़ा, शर्म करो, टमाटर यार एक बेसिक चीज है, टमाटर है 20 रुपए किलो, एक दिन में 100 रुपया बढ़ा दिया, अरे क्या कर रहे हो यार पागल हो, घोटाले की देखने का, हल्दी है ना, हल्दी तुम्हें कैसे पहले बता कि हल्दी आएगा, क्योंकि मतलब तुम्हारा भी कहीं ना, मैं जाता हूँ ना, क्योंकि ये घोटालों की सरकार है, ये लोगों की जेब कैसे काटनी है, ये षड्यंत्र करते रहते हैं बैठे, ओहो अब टमाटर रह गए यार, टमाटर के दाम बढ़ा दो, ओ यार अब क्या है सब्जी में और क्या चीज पड़ती है जरूरी, जो लोग रोज खाते हैं उसके दाम बढ़ाओ, क्योंकि लोगों को वो लेना ही लेना है, लेना ही लेना है दूध, आप धर्म पत्नी शुक्र करो आपको घर में अंदर एंट्री दे रही है, क्योंकि आप कमाते हैं तो उठा के बाहर फेंक देगी आपकी धर्म पत्नी आपको, जिस तरह के हालात चल रहे हैं लोगों की, हाँ, इतनी ज्यादा हो गई, हाँ, है लोगों, नहीं आप अपने घर से बात लीजिएगा, हाँ, सब आदमी घर पे जाते हैं ना तो वो पूछते हैं, अब वही सोचती होगी महिला जहाँ दो तीन टमाटर डालने होंगे ना सब्जी में, सोचती है 120 रुपए किलो यार, एक ही टमाटर डाला जाए, एक वो एक एक टमाटर कितनी रसवाई है यार, कितनी रसवाई है, इतनी हम यार कितनी बेदर्दी, सुनो कितनी बेदर्दी वाली ये बात है कि एक सब्जी में सोचेगी कि मैं एक टमाटर डालूं, शर्म करो, अरे केजरी शर्म करो, सरकार सरकार मैं अगर थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़े क्या बुराई है, ये टमाटर डेवलपमेंट की है, टमाटर डेवलपमेंट है, पैसा तो विकास में जा, बेईमानी है, ये उस्तादों के उस्तादों का काम है, उस्तादों के उस्ताद, अरे छोड़ो गपलेबाजी करो, वो तो कितनी सरकार है यार, यही बीच महंगा हुआ, फायदा तो किसान का है ना, किसान को क्या मिला, किसान को दे रहे हैं एमएसपी, दे रहे हो किसान को दिया एमएसपी, रो रहा है वो किसान, किसान को दे रहे हैं, अरे आप चीजें सुनिए, आप ये मत बोलिए देंगे देंगे, एजेंट हो उनके, एजेंट हो, मौका 9 साल से एजेंट बैठे हुए, मौका दिया लोगों ने, बर्बाद कर दिया देश को, बर्बाद कर दिया लोगों की जिंदगी, बर्बाद कर दी लोगों की जिंदगी, बर्बाद कर लोगों का जीवन दुश्वार कर दिया उन्होंने, लोगों जीवन जो अपना व्यापार कर रहे ना अच्छे, वो जीवन व्यापार नहीं कर रहे लोग, चश्मा ये चश्मा नहीं, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, इसमें कुछ शक है कांग्रेस की, 120 रुपए है, केजरीवाल जी टमाटर के बारे में बोलिए, ये अदरक है 120 रुपए किलो, ये बोलिए मोदी जी बोलिए, ये माइक के ऊपर लगा के जाना नेताओं का काम, ताकि वो भी सुनिए, वो भी हैरान होकर सुने, अगर देश के हित में बात करें जनता में वो सुनेंगे, वो जब माइक के ऊपर देखेंगे ना ये क्या लेके, रामाशंकर जी ये क्या लगा के आए जी, सर आज त्राही त्राही होगी, दिल्ली की जनता परेशान होगी, टमाटर इतना महंगा हो गया है, अदरक महंगा हो गया, धनिया नींबू हर आम चीज क्या रहेगा, कुछ रहा है रसोई में, अभी देखना जो साबुन है ना, ये 24 में साबुन की झाग देखी आपने, साबुन की झाग और कुछ समय के लिए उतरती है फिर बैठ जाती है, वो नहीं साबुन घर में इस्तेमाल करते हो ना तो आप हाथ में मलो साबुन, झाग होगी तो कुछ समय के लिए होती है, तो ये सरकार 5 महीने की है, उसके बाद ये सब ठंडी हो जाएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी सब कुछ ठीक होगा। अच्छा साथियों, आज वाकई कहीं ना कहीं महंगाई से जनता त्रस्त है, और महंगाई की बात को जब कोई सत्तारूढ़ पार्टी से बात की जाए तो शायद इतना सटीक जवाब ना दे पाए जितना जवाब अरुण मलिक जी ने दिए। धन्यवाद।